साथ आपको सामान मिल गया है जो जो तो मंगाया वो मिल गया मैंने। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक बार बनके के बुला दीजिए। ठीक है, सुनो ये रखो, कब से हो यहाँ पर? मैडम जी मैं बचपन से हूँ, पहले मेरे पिताजी थे, अब वो रहे नहीं, मैं हूँ। और इस घर के मालिक? वो बड़े साहब, मैं हूँ अमेरिका में, बड़े अच्छे इंसान हैं, सुना है आए हुए शायद आए। अच्छा साहब चलता हूँ। हेलो नताशा, राइट? आदित्य, आदित्य तुम तो मर चुके थे ना? नो, आई एम विक्रम सिन्हा। आदित्य के केस के मुतालिक बात करनी थी हमें। यहाँ पे आदित्य की बॉडी से एक वॉलेट और एक मोबाइल मिला है, जिससे पता चला है कि आप आदित्य के काफी क्लोज थी। सो नताशा, आप आदित्य और केस के मुतालिक जो कुछ भी जानती हैं वो बताने आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। मैं आती हूँ। ओके। तुम्हें पता है तुम जिससे भागने की कोशिश कर रहे हो वो खुद तुम्हारे ही घर में आ गई है। अब कहाँ जाओगे? आना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा मेरे पास। वेलकम होम जयदेव वर्मा। आप तो कल आने वाले थे। हाँ, वो बस कुछ गेस्ट आने वाले हैं। आपको सामान तो रखवा दो। हाँ रखवा दो। वैसे जिनको ये घर दिया है वो क्या कोई लेडी है? Thank you.
के सारे फोन होते जा रहे। ओ हाय जय वर्मा, तो कैसी है आप? माया, माया अग्रवाल, आपका सफर कैसा रहा? तो माया, कोई तकलीफ परेशानी यहाँ रहने में? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, जिस घर का मालिक इतना हसीन हो, मेरा मतलब केयर करने वाला, वहाँ किसी को कोई परेशानी क्या सोच सकती है? ऐसी बात नहीं है, नौकर है यहाँ, उसने बताया था आप मार्केट गई हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप उसे बता दें। नहीं नहीं बाहर मैं खुद गई थी, यू नो सारा दिन घर में ताज़ी हवा में सांस लेना अच्छा लगता है। गुड, कॉफ़ी पियेंगी? मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। जानती हूँ। सॉरी? या श्योर। सोमाया कितने टाइम बाद आई हो यहाँ? 8 साल बाद। इस शहर से बहुत ही पुराना रिश्ता है, मुंबई में रहते हुए भी यहाँ की यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। I mean, मेरे डैड की ज़मीनें हैं। और तुम उन ज़मीनों पे कब्ज़ा करने आई हो? Obviously, cause मॉम की डेथ के बाद ना काफ़ी सारे पेपर्स ऐसे थे जो पेंडिंग में थे, वो क्लियर हो गए। ओके, डोंट वरी, इसे तुम अपने ही घर समझो, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ऑफ कोर्स, वैसे कॉफी बहुत मजे की थी। थैंक यू। कोई आया? हाय जयदेव, कैसा है मेरे यार? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इतना लेट? बस यार, ऑन द रोड, रास्ते में माय कार वाज स्टक, 3 घंटे लगे मैकेनिक को पहुँचने में। तू बता, सब ठीक? ठीक। और विक्रम कैसे आना हुआ? व्हाट अ सरप्राइज यार, 9 सालों में तुझे शिमला की कैसे याद आ गई? बस यार, एक केस की प्यास खींच लाई, ये देख। इतनी सारी मिसिंग रिपोर्ट, मर्डर हुआ इन सबका, और कातिल सिर्फ एक। व्हाट? बट क्यों इतने सारे मर्डर? ये तो कातिल हो गए। देख, अब तक जो भी पता चल पाया है उसके हिसाब से कातिल एक लड़की है, बट क्यों है क्या है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लड़की अभी शिमला में है। इसकी कोई तस्वीर? अनफॉर्चुनेटली नॉट। है एक लैपटॉप मिला है, बहुत ख़राब हालत में है, बट रिकवरी पर है, हो सकता है सुबह तक पिक्चर्स भी आ जाए, फिर और आसान हो जाएगा मेरे लिए उस कातिल को ढूंढना। I don't believe this. ऐसा भी नहीं कर सकता। अरे मेरे दोस्त, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। खैर, तू बता रहा था कि एक लड़की आई है इस अपार्टमेंट में रहने के लिए। मुंबई से आई है, यहाँ उसके डैड कोई जमीन छोड़ के गए थे, वही लेने आई है यार। अरे फिर भी बता तो सही, दिखने में कैसी है? साले पुलिस वाला बन गया तू, लेकिन तेरी ठरक नहीं गई। तो तू वापस कब जाएगा? कुछ दिन रुकेगा यहाँ? नहीं, बस आज रात, कल सुबह होते ही निकलूँगा।
रमन। एक्सक्यूज मी। ओ हाय मिस्टर विक्रम, राइट? या बट हाउ डू यू नो? कॉफी लेकर आएंगे। मैजिक, डोंट वरी, वर्मा जी ने बताया, आई एम नॉट मैजिशियन। बिल्कुल। सो कैसा चल रहा है आपका केस? सुना है बहुत चर्चा है अखबारों में, न्यूज चैनल्स में। हाँ बस एक साइको, समझ नहीं आता कहाँ से आया है, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। आई विश ऐसा ही हो। वैसे मैंने एक किताब में पढ़ा है, कुछ चीज़ें आपके सामने ही होती हैं, अपने आसपास भी देख लेना चाहिए मिस्टर विक्रम। ओ इंस्पेक्टर विक्रम, आप तो ऐसे यकीन दिला रही हैं कि वो आप ही हैं, बट ये भी पुलिस वाले की आंखें हैं, क्रिमिनल की आंखों में देख के उसकी कुंडली बता देती। तो मेरी आंखों में क्या दिखता है आपको? किसी के लिए बहुत सारा प्यार, बट तुम किसी को मार तो नहीं सकती। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है। ओ यार वैसे एकदम सही कहा, अब शायद मुझे चलना चाहिए, आपकी पिक्चर्स भी आ गई हैं। आई होप आपको अब क्रिमिनल कौन है ये पता चल जाए। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता कि मेरी पिक्चर्स आने वाली हैं? क्या इंस्पेक्टर साहब, आपने ही बताया अभी, इतनी जल्दी भूल गए? हे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वो मैं विक्रम को ढूंढ रहा था। वो तो शायद जल्दी में थे, सुबह सुबह ही चलेगा। व्हाट? लेकिन मुझे बिना बताए? हाँ उनको क्रिमिनल के बारे में कुछ पता चला था तो वो जल्दी जल्दी चले गए। हैरत की बात है,